गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ लर्निंग। वी आर डूइंग अकाउंटेंसी। दिस इज योर अकाउंट्स क्लास एंड द चैप्टर विच वी आर गोइंग थ्रू इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, वी हैड गोन थ्रू टू कंसेप्चुअल वीडियोज एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके, so this is one question number 55 is the first question from this chapter, so we will start from 56. Okay, question is reflecting from of your screen. Okay, and I'm going to read it out and you have to listen it, and after that I will explain it also. Okay, A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. Okay, so there are three partners, A, B and C. They are sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Okay, C died on 30th June 2018. Profit and sales for the year ended 31st March 2018 were 1 lakh and 10 lakh. Okay, respectively. Sales during April to June 2018 were 1,50,000. You are required to calculate the share of profit of C up to the date of its death. Okay, तो यहाँ पे आपको एक important चीज note करना ये है कि आपको journal entry नहीं pass करनी है, आपको सिर्फ deceased partner का यानी कि C का जिसका death हो रहा है उसका share निकालना है कि profit में उसका कितना share आता है। Okay, तो इसको हम लोग start करते हैं। A, B and C, इनका रेशियो है 2:2:1 एंड किसका डेथ हो रहा है, C डाइड। ठीक है, C डाइड ऑन विच डेट, 30th June 2018। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं ये करके कि क्या क्या है इसमें और आगे। प्रॉफिट एंड सेल्स, सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस ईयर और इस ईयर बना लेते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, ओके, इज 1 लाख एंड 10 लाख, मतलब पहला प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 lakh एंड देन सेल्स है हमारा 10 लाख। ओके, और ये कौन सा ईयर है, ईयर एंडेड 31st मार्च, मतलब स्टार्टिंग किया होगा 17 से एंड एंड हो रहा है 2017-18 का ये बात है। ठीक है, और क्या हुआ कि दूसरे साल का जून आते आते, ठीक है, जून आते आते एक बहुत ही बुरा दिन आया, मनहूस दिन आया, उस दिन क्या हुआ, सी का डेथ हो गया, सी डाइड। ओके ओके, तो इस दिन तक हमारे साथ सी थे एंड 30 जून 2018 को चले गए। ओके, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ तक तो हमने कर लिया कि प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 वेर 1 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके, सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, ठीक है, अप्रैल टू जून, मतलब यहाँ से अप्रैल, 1st अप्रैल से ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा। ओके, अप्रैल टू जून मतलब कितना महीना हुआ, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स का जो सेल है वो कितना हो रहा है हमारा, 3 महीना का जो सेल है, ये हमारे साथ
इस फिनेंशियल ईयर में सी जो थे वो 3 मंथ्स रहे, ओके। तो इस 3 महीना में कितना सेल हो रहा है, सेल्स इज हाउ मच इट इज गिवन, 1,50,000। बस क्वेश्चन आपको इतना ही दिया है, प्रॉफिट कितना हो रहा है ये नहीं दिया है, ठीक है, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी सी का जो नॉमिनी है वो हमारे पास आ गया होगा और हमसे अपना शेयर मांग रहा होगा, अपने पापा का शेयर मांग रहा होगा, ओके। तो आगे देखते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का परसेंट निकालते हैं कि सेल में उसका परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट है हमारा 1 लाख और सेल है हमारा 10 लाख, ओके। आई मिस्ड 2 0, ओके। सेल है हमारा 10 लाख, ठीक है, और बाय 100% निकाल रहा है तो हमें 100 से ही इंटू करना होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10%, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सेल में कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। हम जो भी सेल करते हैं उसमें हमारा 10% का प्रॉफिट होता है, इसको हमको अज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मतलब चेंज भी हो सकता है, 10% है तो 20% भी हो सकता है, बट नाउ वी हैव टू अज्यूम दैट अभी हमारा 10% ही होगा, ठीक है। तो हमारा जब यहाँ पे सेल्स हुआ है, ठीक है, सेल्स हुआ है हमारा कितना है सेल्स, 1,50,000। तो इसमें भी हम यही मानेंगे कि हमारा 10% का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, 15,000, ओके। तो अभी हम लोग ये देखते हैं 15,000 में तो तीनों पार्टनर का शेयर है, इसमें जो डिसीज पार्टनर है या तो जो पार्टनर जिसका डेथ हो गया दैट इज सी, तो उसका क्या शेयर है। तो सी का शेयर कितना होगा 15,000 में, 15,000 इंटू सी का शेयर कितना है, 1/5 इज इक्वल टू 3,000, ओके। तो अब यही हमारा क्वेश्चन का डिमांड था कि हमें क्या निकालना था, सी का शेयर या फिर डिसीज पार्टनर का शेयर और प्रॉफिट कितना होगा। तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ओके। लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 58। आई एम रीडिंग इट आउट, राम मनोहर एंड जोशी, ये तीनों नाम वाला एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मेरे पार्टनर्स इन अ फर्म जोशी डाइड, अगेन जोशी डाइड, लास्ट टाइम ऑल्सो जोशी डाइड, ओके, ऑन 31st May 2018। His share of profit from the closure of last accounting year till the death of debt was to be calculated on the basis of average of 3 complete financial years of profit before death. Profit for the year ended 31st March 2016-17-18. 7,000, 8,000, 9,000. Calculate Josie's share of profit till the date of his death. Pass necessary journal entry for the same. यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज जर्नल एंट्री भी करनी है, ओके। तीन पार्टनर हैं हमारे, राम, मनोहर एंड जोशी, ठीक है। तीनों का शेयर कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, ओके। लेट मी गो थ्रू अगेन, नथिंग इज गिवन, ओके। तो हम लोग मानते हैं दे आर इक्वल पार्टनर, दैट इज 1:1:1, ओके। अभी क्या है, जोशी डाइड, ये जोशी क्या है, ही डाइड, ओके, ही डाइड एंड जोशी डाइड ऑन विच डेट, डेट इज 31st May 2018, ओके। एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ क्लोजर वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जो था थ्री कंप्लीट ईयर्स फिनेंशियल ईयर जो प्रॉफिट दिया हुआ है 3 साल का, उसी के बेसिस में हमें उसका क्या करना है,
कि उसी के बेसिस पे, मतलब ये क्या है, टाइम बेसिस पे हमें निकालना है। ओके तो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता हो सकता है इसमें। ठीक है, तो हमारा है, लिखेंगे जोसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ देंगे, 7,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सेम लैंग्वेज में था, आपको मैंने एक सॉल्व करके दिखाया था, तो आपको अगर एक्स्ट्रा वर्किंग नोट चाहिए तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके देन इसको थ्री से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8,000। अभी देखिए, जोशी डाइड ऑन 31 मई, मतलब अगर हमारा 1 अप्रैल से अगर शुरू हुआ होगा, ठीक है, तो जोशी जी कब चले गए हमें छोड़ के, 31 मई। ओके तो मतलब ही स्टेड विथ अस, ये हमारे साथ कब तक रहे, 2 मंथ्स। ओके तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट फॉर 2 मंथ्स, 8,000 इंटू 2 by 12, 2 1 2, 2 6 12, और इसको अगेन हम लोग 2 से कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोक्स इतना आएगा। ठीक है, कट करते हैं तो, एंड फिर इसमें हम जोशी जी का शेयर निकालते हैं, जोशीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,334 इंटू 1 by 3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 444 अप्रॉक्स। ओके अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा जर्नल एंट्री इसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिसीज पार्टनर, दैट इज जोसीज कैपिटल अकाउंट। ओके सो वी हैव डन विद द सॉल्यूशन, होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ओके सो इन होमवर्क यू हैव टू कंप्लीट टिल 60। ओके एंड सो आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर ओनली, कीप लर्निंग, स्टे सेफ एट होम, थैंक यू।